हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्डिगन की स्लीव्स। देखिए, ये मैंने पहले से स्लीव्स बना के रखी है। मैं ये बताऊँगी आपको ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 45 फंदे डाले हैं यहाँ शुरू में। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन बनाना शुरू किया और यहाँ से थोड़ा इतना बुनने के बाद, ये देखिए जितना हम बॉर्डर बनाते हैं इतना बुनने के बाद हमने इसमें फंदे बढ़ाने शुरू किए। क्योंकि हम नॉर्मली जब हम बॉर्डर बनाते हैं तो हम बॉर्डर पूरा करने के बाद ही फंदे बढ़ाना शुरू करते हैं। आस्तीन में इसमें मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है, तो मैंने इसको थोड़ा बुनने के बाद फंदे बढ़ाने शुरू किए हैं। उसके बाद हमें यहाँ से और ऊपर तक हर 6 सिलाई के बाद, यानी पहली सीधी सिलाई में हम फंदे बढ़ाएंगे और उसके बाद हमें 5 सिलाई और करनी है, और उसके बाद फिर हमें एक फंदा इधर और एक इधर बढ़ाना है। इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे इसमें। और अगर आपको यहाँ से ये बिल्कुल फिटिंग की रखनी है, यहाँ पर बिल्कुल टाइट रखनी है, तो आप कम से कम ये 8 इंच तक, 8 से 10 इंच तक आप इसमें 8-8 सिलाई पे फंदे बढ़ाएं, और उसके बाद आगे जाके आप जल्दी जल्दी फंदे बढ़ाइए तो ये यहाँ से बिल्कुल फिटिंग की आएगी। वैसे तो अगर आपके पास बारीक ऊन है तो आप कम से कम 50 फंदे रखिए, या 55 भी रखे जाते हैं अगर ज़्यादा बारीक ऊन होती है। लेकिन मेरी ऊन थोड़ी मोटी है और मैंने इसको 9 नंबर की सिलाइयों से बुना है, तो मैंने इसमें 45 फंदे रखे हैं यहाँ। और यहाँ तक बढ़ते बढ़ते ये देखिए मैंने कितना लंबा बनाया है इसको, इसको मैंने यहाँ 18 इंच की लंबाई बनाई है। ये लंबाई आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी लंबी आस्तीन रखना चाहते हैं, अपने नाप के हिसाब से रखिए ये। और यहाँ मैंने इसमें 87 फंदे आए हैं मेरे ये यहाँ पर, क्योंकि मेरी ये मोटी ऊन है और मैंने फिटिंग की आस्तीन बनाई है, वरना इसमें कम से कम 100 फंदे होते हैं। अगर हम बारीक ऊन ले रहे हैं तो ये यहाँ पर 100 फंदे होने ज़रूरी हैं, 100 से एक्स्ट्रा भी 105 या 110 तक भी होते हैं ये अगर ज़्यादा बारीक ऊन है तो। यहाँ मैंने मेरे 87 फंदे हैं ये, और इसकी लंबाई पूरी होने के बाद हम इसके मोंडों की घटाई करेंगे यहाँ से। देखिए मोंडो की घटाई कैसे करनी है। सबसे पहले हम यहाँ 3 फंदे घटाएंगे, 1, 2, 3। ये 3 फंदे घट गए। अब हम ये इसी तरह से सिलाई पूरी करेंगे, और जब ये सिलाई शुरू करेंगे तो यहाँ से भी हम ये 3 फंदे घटाएंगे। जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं वो डिज़ाइन बुनते हुए आप ये सिलाई पूरी करें। ये देखिए, इधर हमने फंदे 3 घटाने के बाद ये सिलाई पूरी कर ली। अब हम इधर से भी इसी तरह से 3 फंदे घटाएंगे, 1, 2, 3। ये 3 घटाने के बाद अब हम ये सिलाई पूरी करेंगे। और ये घटाने से पहले हर बार जब भी हम ऊपर तक आस्तीन के ये फंदे घटाएंगे, आपको ध्यान ये रखना है इनको बहुत ही लूज घटाना है आपको, इनको टाइट नहीं करना है, वरना आपके मोंडे टाइट हो सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी आस्तीन पूरी हो चुकी है। अब यहाँ तक ये पूरी सिलाई कर ली हमने यहाँ से 3 फंदे घटाते हुए। पहले हमने 3 फंदे घटाते हुए इधर से पूरी सिलाई की, अब इधर से, और उसके बाद हम ये लास्ट पर हैं सिलाई के, और लास्ट में हमें ये करना है जो लास्ट के 2 फंदे रह जाते हैं उन फंदों को हमें 2 फंदे का 1 फंदा करना है, फिर हम सिलाई शुरू करेंगे, फिर से 2 फंदे का 1 फंदा करना है। ये हमें ऊपर तक इसी तरह से बुननी है। सिलाई शुरू करेंगे तब भी 2 फंदे का 1 फंदा करना है, और सिलाई जब लास्ट होगी तब भी 2 फंदे का 1 फंदा करना है। ये देखिए, ये हमने सिलाई पूरी कर ली। अब हम इस सिलाई के लास्ट में हैं। यहाँ भी हमें वही करना है जो हमने उधर किया था, कि हमें लास्ट में 2 फंदे का 1 फंदा करना है।
फिर सिलाई शुरू करेंगे। और दो फंदे का एक फंदा करेंगे। हमें ये हर सिलाई के शुरू में भी और आखिर में भी तब तक इसी तरह से बुनना है जब तक ये सारे फंदे 45 फंदे ना रह जाएं। यहाँ बीच में, यहाँ इधर से भी घटेंगे, इधर से भी घटेंगे, और बीच में 45 फंदे जब तक रह जाएं तब तक हमें इसी तरह से बुनना है। ये देखिए, ये बुनते हुए अब हमारे ये 45 फंदे रह गए हैं यहाँ पर, 45 फंदे, और ये इस तरह से दिखेगा बुनने के बाद। उसके बाद हम इन सारे फंदों को बंद करेंगे। ये देखिए बंद कैसे करना है इनको। दो दो फंदों को लेते हुए हम इन्हें बंद करेंगे। बस हमें ध्यान यही रखना है कि हमें ये फंदे टाइट नहीं करने हैं। इस तरह से हम ये बंद करते जाएंगे यहाँ पर, ढीले ढीले रखते हुए। ये ढीले हमें इसीलिए रखने हैं कि ये आर्म होल जो मोंडा है वो टाइट ना हो। ये देखिए, इस तरह से हमें इनको पूरे को बंद कर देना है। ये पूरे फंदे हम ऐसे ही बंद करेंगे। ये देखिए, ये पूरे बंद हो गए फंदे। अब हम इनको, ये एक जो फंदा बचेगा लास्ट में, उसको बंद कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से दिखेगा घटने के बाद। आप इसे अटैच कर सकते हैं जहाँ भी, जो कार्डिगन के लिए बनाएं या स्वेटर के लिए। ये आस्तीन तैयार है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आ गई और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।